प्रदेश में लगातार हुई तेज हवाओं के साथ बारिश से फसलों को हुए नुकसान से परेशान किसानों को अपने नुकसान की जानकारी बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देकर किसान सूचना दर्ज करा सकते हैं। जिले में लगातार दो दिनों के बारिश के चलते जितने भी किसानों के फसलों को नुकसान हुआ है वे अपने नुकसान की जानकारी बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर में दे सकते हैं। भारतीय कृषि बीमा कंपनी के निर्धारित टोल फ्री नंबर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत निर्धारित टोल फ्री नंबर 1800-419-0344 में फोन करके महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे किसान का नाम, फसल का नाम, जिले एवं ग्राम का नाम, खसरा नंबर एवं रकबा नंबर आदि बताकर किसान सूचना दर्ज करा सकते हैं। उद्यान विभाग के उपसंचालक से मिली जानकारी के अनुसार योजना के अंतर्गत एड ऑन कवर अंतर्गत ओलावृष्टि एवं चक्रवाती हवाएं जोखिम को स्थानीय आपदा के रूप में सम्मिलित किया गया है। स्थानीय आपदा की स्थिति में कृषक घटना के 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना सीधे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के टोल फ्री नंबर पर लिखित रूप में बीमा कंपनी संबंधित बैंक स्थानीय उद्यानिकी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को बीमित फसल के ब्यौरे क्षति की मात्रा तथा क्षति का कारण सहित सूचना देना होगा। वही सूचना प्राप्त होने के पश्चात 48 घंटे के भीतर संबंधित संस्था द्वारा बीमित फसल के ब्यौरे की क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण आदि की जानकारी से बीमा कंपनी को अवगत कराना होगा। फसल क्षति हानि संबंधित सूचना मिलने पर क्रियान्वयक बीमा कंपनी क्षेत्र में फसल की हानि का आकलन लगाने के लिए 48 घंटे के भीतर निर्धारित अर्हता रखने वाले हानि निर्धारकों की नियुक्ति करेगा तथा जिला स्तरीय संयुक्त समिति के द्वारा योजना के मार्गदर्शिका के प्रावधान अनुसार 10 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति निर्धारित की जाएगी। बीमा कंपनी द्वारा 7 दिन के भीतर प्रभावित कृषकों के आंकड़ों का सत्यापन योजना के वेब पोर्टल में किया जाएगा। बीमा कंपनी द्वारा क्षति आकलन रिपोर्ट प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति की राशि की भुगतान की जाएगी। इस संबंध में SDM मुकेश रावटे और उप संचालक कृषि ललित मोहन भगत ने अपनी जानकारी इस तरह दी। से लगातार मौसम की स्थिति थोड़ी सी नाजुक बनी हुई है। पिछले रविवार की रात्रि में और सोमवार की रात्रि में कुछ जगह हल्की बारिश हुई है और जैसे कुछ क्षेत्रों में हल्के ओला गिरने की भी सूचना मिली थी, जिसमें जांच भी किए गए। तहसीलदार महोदय भी खुद समक्ष मौके पर गए थे। हमारे जो ग्राउंड लेवल के अधिकारी कर्मचारी हैं वो सब मौके पर गए थे और इसमें फसल को क्षति का आकलन भी किया जा रहा है और कुछ किसान जो बीमा का कराए हैं अपने फसलों का तो उसमें बीमा का लाभ जरूर दिया जाएगा। और जो फसल क्षति का आकलन है, यदि किसी किसान का कुल फसल जो वो है उसका 33% यदि क्षति होती है तो उसमें मुआवजा का जो प्रावधान है हमारा रेवेन्यू गाइडलाइन के आधार पर तो उसके तहत भी उसको भुगतान कराया जाएगा। जी, कल दुर्ग जिला में काफ़ी बारिश हुआ। इसमें हमारे जिले में 3 विकासखंड हैं परंतु एक विकासखंड में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, इसमें बारिश और ओला दोनों गिरे हैं। इसमें धमदा विकासखंड में बहुत क्षति हुआ है, वहाँ 2 फसल को प्रभाव ज़्यादा पड़ा है। हमारे कृषि विभाग के अंतर्गत जो लगाते हैं चना और गेहूं, चना फसल 4691 हेक्टेयर में प्रभाव पड़ा है जो कि फसल को लगभग 56% का क्षति हुआ है। और गेहूं फसल में हमारा 5077 हेक्टेयर प्रभावित हुआ है जिसमें 40% लगभग क्षति हुआ है, जिसका नजरी आंकलन किया गया है। इसका डिटेल आंकलन राजस्व विभाग और कृषि विभाग तथा फसल बीमा के एजेंसी के अधिकारी लोग रहेंगे और इसका डिटेल मतलब विस्तृत रूप से उसका निरीक्षण और परीक्षण करेंगे, फिर उसके बाद आंकलन करके फिर रिपोर्ट भेजा जाएगा। अभी नजरी आंकलन करके हम लोग शासन को प्रेषित कर रहे हैं। साथ ही हम लोग क्षेत्र में भ्रमण किए, संयुक्त संचालक कृषि और मैं संयुक्त रूप से भ्रमण किए, खेत का जायजा लिए, जिसमें एक्चुअल में फसल बहुत नुकसान हुआ है, जिसमें दाना भी निकल गया है और दाना जो अंकुरित हो गया है इस तरह से फसल बहुत नुकसान हुआ है। गेहूं में भी पूरा दाना जमीन में गिर गया है। इस तरह से हम लोग जी फागी फसल, हम लोग उद्यानिकी फसल को भी हमने देखा, जैसे पपीता लगा है, केला लगा है, इसमें पूरे उसके पत्ते में ओले से बहुत प्रभाव पड़ा है और फल में भी ओले से क्षति हुआ है, जिसमें गड्ढे गड्ढे हो गए हैं, उसमें छेदा भी हो गए हैं। इस तरह से मतलब जो मार्केट के योग्य नहीं रहा, इस तरह से बहुत नुकसान हुआ है। किसानों को जो फसल बीमा के तहत जो
किसान आए आ रहे हैं, फसल बीमा कराए हैं, उनको हम लोग टोल फ्री नंबर उपलब्ध करा करके सीधा फसल बीमा से संबंधित एजेंसी को फ़ोन करने बोल रहे हैं, और वहाँ पे अपना आधार कार्ड और आईडी नंबर दे करके उसमें अपना शिकायत को दर्ज करा रहे हैं। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।